अगर हम बात करें, आजकल तो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो इसकी वजह से हमारे हाथों पे जो कीटाणु वगैरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, और साबुन से वो आसानी से नहीं मरते। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको मिटाने के लिए सैनिटाइज़र का, जो कि आप बाज़ार में अगर लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, और उसके उपरांत उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल होगा या डुप्लीकेट होगा। तो उससे बेहतर यही होगा कि मैं आपको आज घर पर ही सैनिटाइजर बनाना सिखा दूंगा। कम से कम खर्च में 1 से 2 रुपए का आपका खर्च होगा, और 100% एंटीबैक्टीरियल होगा, और जो बाज़ार में जो सैनिटाइजर मिलते हैं उनसे लाख गुना अच्छा होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो सैनिटाइजर है घर पर बनाना सीख जाए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आपको ये जो है 100 ग्राम्स यानी कि 100 ग्राम ये जो कड़वा नीम होता है उसके आपको पत्ते यहाँ पे ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ लगभग इतने नीम के जो कड़वे पत्ते हैं वो यहाँ पे ले लिए हैं। ले लेने के बाद अच्छी तरह से इसको वॉश कर दीजिए। उसके बाद आपको 10 से 12 ये जो तुलसी के पत्ते हैं वो आपको यहाँ पे ले लेने हैं। लगभग 10 से 12 ये दोनों आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको एक साफ बर्तन में लगभग से 3 गिलास जितना जो पानी है वो आपको गैस पे गर्म करना है, और इसमें ये जो कड़वा नीम के जो पत्ते हैं और ये तुलसी है दोनों को आप इस तरह से ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से उबालना है, और जब आपको लगे कि आपने ये जो 3 गिलास पानी लिया था वो बिल्कुल आधा हो जाए तब तक आप इसको उबालते रहिए। तो ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल आधा हो चुका है। अब अपने गैस को ऑफ कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से छान लीजिए। तो ये जो वाटर है वो हमने अच्छी तरह से छान लिया है, आप देख सकते हैं इसका रंग भी बिल्कुल चेंज हो गया है, और आपको इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब आपको लगे कि ये वाटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तब आपको दोस्तों लगभग 10 ग्राम फिटकारी ले लेनी है। क्या लेना है दोस्तों, 10 ग्राम है जो फिटकारी आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। फिटकारी की आपको ये फिटकारी यूज़ नहीं करनी, इसका जो पाउडर है ना वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे लगभग ये फिटकारी का पाउडर यहाँ पे तैयार करके रख लिया है। तो लगभग आप 1 चम्मच जितना है जो पाउडर है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद आपको इसमें सबसे खास चीज़ की ज़रूरत होगी, भीम सैनी कपूर की। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें जो बाज़ार में आरती में जो हम कपूर यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना, आपको यहाँ पे जो भीम सैनी कपूर है ना वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो कपूर आप बाज़ार से भीम सैनी कपूर ओरिजिनल कपूर ले आइए, आपको आसानी से 1 से 2 रुपए में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो कपूर है वो लगभग 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम यूज़ करना है। तो इसमें कपूर है वो भी हम लगभग 1 चम्मच जितना ऐड करेंगे। अब आप इसको अच्छे से मिला के लगभग 5 से 7 मिनट तक यूं ही छोड़ दे, ताकि ये जो फिटकारी है वो कपूर ये जो वाटर है वो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल के एक साफ़ सुथरा सैनिटाइज़र बन जाए। तो लगभग 5 से 10 मिनट बाद ये जो कपूर और फिटकारी है वो आसानी से पानी के साथ घुल मिल जाएगी यानी कि पिघल जाएगी। तब आपको क्या करना है, इस तरह की जो स्प्रे बोतलें होती है उसमें आप ये जो सैनिटाइज़र बन के रेडी हो गया है तो आप इसमें स्टोर करके भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपके पास अगर छोटी बोतल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसको कहीं भी साथ ले जा सकते हैं बाज़ार में, अपनी जेब में भी यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। और अब जब आपको लगे कि आपको अपने हाथों को जो बैक्टीरिया है उसको साफ करना है, तो आप ये जो यहाँ अपने घर पे बनाया हुआ जो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही नए नुस्खे के साथ। नमस्कार।